जय माता दी भाइयों, इस बार नवरात्र 2 अप्रैल से स्टार्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर माता रानी के दरबार में जाइए, हो सके तो वैष्णो देवी, पूर्णागिरी, जहाँ भी आपके नियर में, आपके बगल में जो भी माता का मंदिर पड़ता है, और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो लोग अपने घर में पूरे उत्साह के साथ इस बार के नवरात्रे मनाइए, हवन करिए, गरीबों को दान करिए, गरीब कन्याओं को भोजन खिलाइए, और कोई भी अगर आपको शुभ काम करना है तो नवरात्रे से अच्छा शुभ मुहूर्त आपके लिए नहीं हो सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सुबह शाम हवन करिए, सुबह शाम माता रानी का पाठ करिए, भजन करिए, चालीसा पढ़िए, जिससे हमारे घर में हमेशा शुद्ध वातावरण रहेगा और हमें हर कष्ट से माता रानी दूर रखेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 9 दिन तक कंटिन्यू हवन करिए, उसमें अग्यारी दीजिए और माता की जोत जला के रखिए। और इस बार हमें पूरे उत्साह और भरपूर के साथ माता के नवरात्रे मनाने हैं, और माता को ही सुबह शाम हमें याद करना है, माता का पाठ करना है, माता की स्तुति करनी है, माता का हवन करना है, और माता के कपड़े बदलने हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने ये 9 दिन अपन माता के नाम कर दीजिए, क्योंकि माता अगर एक बार खुश हो गई तो कभी आपको जीवन में किसी प्रकार का जो भी आपकी मनोकामना होगी, शायद ही कभी होता है, जिसने माता को सच्चे मन से याद किया हो, माता ने उसको उसके दुखों को दूर ना किया हो या उसकी पुकार ना सुनी हो। लोग इसीलिए वैष्णो देवी जाते हैं, तो इसीलिए इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वैष्णो देवी जाइए, पूर्णागिरी जाइए, या आपके बगल में जो भी प्राचीन मंदिर पड़ रहा है आप वहाँ जाइए, जहाँ पे खास कर माता का मंदिर हो वहाँ पे जाइए, चूड़ियाँ चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, सुबह शाम वहाँ पे भजन करिए माता का, क्योंकि ये 9 दिन हमें पूरे के पूरे माता के नाम 24 घंटे देने हैं, और सिर्फ माता की ही भक्ति में ही मगन रहना है। माता की स्तुति करिए, क्योंकि माता की स्तुति और चालीसा करने से हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर और हमारे घर पे जो भी संकट होते हैं उससे हमें माता बचाती हैं और उसका निवारण करती हैं, और जो भी कोई रास्ते हमारे बंद हो चुके होते हैं या जो भी वर्षों से हमारे काम जो अटके होते हैं, माता वो उसे सेकंडों में, कुछ क्षण में ही उसे दूर कर देती हैं। और इस बार आप सब लोग बढ़ चढ़ कर नवरात्रे बनाइए, और ऐसे ही मैं आयुष पाठक माता से दुआ करता हूँ, माना से मन्नत मांगता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबकी मुराद पूरी करिए, और एक बार जोर से जयकार लगाइए, जय माता दी।